प्रिय दोस्तों आप सभी को मेरा जोहार नमस्ते आज का सत्र में सभी को स्वागत है आज का सत्र में बच्चे के विकास की, की पहलुओं को बारे में समझ बनाएंगे आइए शुरुआत करते हैं अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन ईयर्स इन चाइल्ड life are considered critically significant for growth and development during this period development is more rapid than during any other period in total life span understanding how children develop physically socially emotionally cognitively and their learning of language will help in designing development curriculum the knowledge and understanding of different aspects of development will guide us in providing as appropriate activities to children, knowing what to expect of children and when to expect it, preparing children for the changes that take place in their body, interest, behavior, and environment, identifying delayed development. Keeping these points in view, different dimensions of development have been presented briefly in the following. It is considered essential that resource persons as well as Anganwadi workers are properly introduced to these basic conceptual aspects of child development. Parichai. बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों को वृद्धि और विकास के लिए गंभीर रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है इस अवधि के दौरान कुल जीवन काल में किसी भी अन्य अवधि की तुलना में विकास अधिक तेज़ी से होता है यह समझना है कि बच्चे शारीरिक सामाजिक भावनात्मक संज्ञानात्मक रूप से कैसे विकसित होते हैं और उनकी भाषा सीखने से विकास पाठ्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी विकास के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान और समझ हमें इसमें मार्गदर्शन करेगी बच्चों को उम्र के अनुकूल गतिविधियां प्रदान करना यहाँ जानना कि बच्चों से क्या उम्मीद की जाए और कब इसकी उम्मीद की जाए बच्चों को उनके शरीर रुचि व्यवहार और वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार करना जा करना विलंबित विकास की पहचान करना ये जो चार बिंदु हैं कि ये कहाँ ना कहाँ इसके ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए और ये विकास को रुकावट करने वाले यही चार पॉइंट हैं जैसे कि विलंबित विकास की पहचान करना यानी कि बच्चे का उम्र बढ़ जा रहा है लेकिन बच्चे का शारीरिक रूप से विकास नहीं हो रहा है तो कहाँ ना कहाँ बच्चे के परिस वहाँ प्रॉब्लम है परि तो दिक्कतें हैं तो वहाँ पेरेंट्स को यही समझना चाहिए कहाँ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए विकास के विभिन्न आयोगों को संक्षेप में निम्नलिखित में प्रस्तुत किया गया है यह आवश्यक माना जाता है कि संसाधन व्यक्तियों के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बाल विकास के इन बुनियादों वैचारिक पहलुओं से ठीक से परिचित करा जाए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं फिजिकल एंड मटर डेवलपमेंट यानि कि शारीरिक और मोटर विकास सोशल इमोशनल डेवलपमेंट सामाजिक भावनात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट भावनात्मक विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा के विकास कग्निटिव डेवलपमेंट sankhyanatmak vikas physical and motor development physical development refers to the physical changes that take place in the size structure and body proportion a height weight chart is a good way of assessing the health and physical development of the child although it varies from child to child within a broad range a steady increase is a, in both is a good indicator of normal growth the other indicator of satisfactory physical development are actively level of children stamina agility and grace in early years of child's life the dramatic changes take place in motor development fundamental movement skills are developed during this period their movements are well coordinated and smooth. They develop greater control over their muscles and movements. Children learn to run, jump, catch and throw, kick the ball with better control. All these gross motor skills give children freedom to explore the world around. Saririk or Motor शारीरिक विकास से तात्पर्य उन भौतिक परिवर्तनों से है, है जो आकार संरचना और शरीर के अनुपात में होते हैं ऊंचाई, वजन चाट बच्चे के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास का आकलन करते करने का एक अच्छा तरीका है हालांकि यह एक व्यापक दायरे में बच्चे से दूसरे बच्चे में विभिन्न होता है दोनों में लगातार वृद्धि सामान्य वृद्धि का एक अच्छा संकेतक है संतोषजनक शारीरिक विकास के अन्य संकेतक बच्चों की गतिविधि का स्तर सहन शक्ति चपलता और अनुग्रह है बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मोटर विकास में नाटक परिवर्तन होते हैं इस अवधि के दौरान मौलिक आंदोलन कौशल विकसित किए जाते हैं उनके आंदोलन अच्छी तरह से समन्वित और सुचारू है वे अपनी मांसपेशियों और गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण विकसित करते हैं बच्चे दौड़ना कूदना पकड़ना और फेंकना सीखते हैं गेंद को बेहतर नियंत्रण से किक मारते हैं वे सभी सफल मोटर कौशल बच्चों को आसपास की दुनिया का पता लगाने की स्वतंत्रता देते हैं इंटीग्रेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर फिजिकल डेवलपमेंट कंसियस एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोवाइड Opportunities for using small and large muscles Children need to get a balance of uh, perceptual motor experiences every day. Activities of large, large motor skill Walking on straight line and curve line Throwing or catching ball Balancing Hopping and jumping on one feet or two feet Running forward and backward स्कीपिंग क्लाइंबिंग स्टेप्स लेडर जंगल जिम एंड डेंसिंग एक्टिविटी ऑफ फाइन मोटर स्किल थ्रेडिंग बीट्स टाइंग लेसेस बॉटनिंग कॉटिंग पेस्टिंग कॉलरिंग ट्रेसिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग पॉलिंग इंसर्टिंग एंड स्क्रीबलिंग शारीरिक विकास के लिए गतिविधियों के एकीकृत करना छोटी और बड़ी मांसपेशियों के उपयोग के अवसर प्रदान करने के लिए सचेत प्रयास किए जाते जाने चाहिए बच्चों को प्रतिदिन अवधारणात्मक मटर अनुभवों का संतुलन प्राप्त करने की आवश्यकता है आइए दोस्तों बात करते हैं शारीरिक विकास की कुछ गतिविधियाँ के बारे में तो शारीरिक गत विकास को दो भाग में बांटा गया है जो कि बड़े मोटर कौशल और छोटे मोटर कौशल तो बड़े मोटर कौशल की गतिविधियाँ सीधी और वक्र रेखा पर चलना गेंद को फेंकना या पकड़ना संतुलन बजाय रखना एक पैर या दो पैर पर उछलना कूदना आगे और पीछे दौड़ना रस्सी में जंप करना आ, स्कीपिंग सीढ़ियाँ चढ़ना सीढ़ी गेम खेलना जंगल जिम वाला गेम खेलना और नाचना उस तरह छोटे मोटर कौशल गतिविधियाँ धागा फंसाना फीते बांधना बटन लगाना काटना चिपकाना रंगना अनुरेखन करना चित्रांकन या पेंटिंग करना डालना सम्मिलित करना घसीट लिख लिखना आइए दोस्तों देखते हैं शारीरिक विकास की कुछ गतिविधियां को बच्चे के साथ करते हुए सब 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 आएंगे Social emotional development. The basic indicator of social development is the ability to relate with others and form social relationships. It is concerned with the child's relationship with people and ways of interacting with them. At this दिस children मेक फ्रेंड्स एंड लर्न टू प्ले इन ग्रुप दे learn टू बिहेव इन ए socially acceptable वे दे learn टू बी इंडिपेंडेंट सामाजिक भावनात्मक विकास सामाजिक विकास का मूल संकेतक दूसरे के साथ संबंध बनाने और सामाजिक संबंध बनाने की क्षमता है यहाँ लोगों के साथ बच्चों के संबंधों और उनके साथ बातचीत करने के तरीकों से संबंधित है इस स्तर पर बच्चे दोस्त बनाते हैं और समूह में खेलना सीखते हैं वे सामाजिक रूप से स्वीकार तरीके से व्यवहार करना सीखते हैं वे स्वतंत्र होना सीखते हैं इमोशनल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू द इमरजेंस ऑफ ए वेराइटी ऑफ इमोशंस लाइक जॉय डिलाइट हैप्पीनेस फीयर एंगर सरोज चिल्ड्रेन ग्रो दे लन टू एक्सप्रेस दे आर इमोशंस इन ए सोशल एक्सेप्टेबल वे भावनात्मक विकास भावनात्मक विकास के तात्पर्य विभिन्न प्रकार की भावनाओं जैसे आनंद प्रसन्नता सुख भय क्रोध दुख के उभार से है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे सामाजिक रूप से स्वीकार तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखते हैं आइए दोस्तों सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण पर समझ बनाते हैं एस ई ई एल को लेकर आजकल काफ़ी चर्चा है जिसका मतलब है सोशल इमोशनल और एथिकल लर्निंग यह शिक्षा सामाजिक भावनात्मक और नैतिक कौशल सीखने की प्रक्रिया है ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पढ़ना और गणित सीखना है यह सीखने की प्रक्रिया सबसे प्रभावी है जब यह बचपन से शुरू होता है और हाई स्कूल में भी जारी रहता है सामाजिक भावनात्मक और नैतिक कौशल स्कूल काम और जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है एस ई एल के साथ छात्र अपने भावनाओं और व्यवहारों को प्रबंध करना सीखते हैं सहानुभूति दिखाते हुए दूसरों का देखभाल और चिंता करते हैं बेहतर तरीकों से समस्याओं का समाधान निकालते हैं जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेंगे और अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं। छात्र ये पहचानना सीख रहे हैं कि उनके भीतर क्या हो रहा है जिससे उनको भावनाओं को पहचानने में मदद मिलता है जैसे कि गुस्सा करना और अपेक्षी भावनाओं को महसूस करने पर रोकने में सांस लेने में और अभिनय से पहले स्थिति के बारे में सोचने में मदद करता है छात्र दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण की पहचान करना सीखते हैं जिससे वो सहानुभूति और करुणा दिखाएंगे बिना ये देखें कि वो कौन है या कहाँ से आए हैं यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि ये क्लासरूम में और जीवन में कितना महत्वपूर्ण है छात्र शांतिपूर्ण तरीकों से अपने समस्याओं का समाधान करना और अपने आवश्यकताओं के बारे में बताना सीखते हैं इससे वो दूसरों के साथ मिलकर रहेंगे और बड़ों से खुलकर मदद मांगेंगे जब छात्र अपने जीवन और भविष्य के बारे में जिम्मेदारी से निर्णय लेंगे तो भविष्य सिर्फ बेहतर होगा रिसर्च बताती है कि सामाजिक भावनात्मक और नैतिक शिक्षा से बदलाव आता है सीन में भाग लेने वाले छात्र पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और बेहतर व्यवहार भी करते हैं इन छात्रों के लिए अच्छा डिग्री हासिल करने का संभावना दुगनी है हाई स्कूल पास करने का संभावना 50 परसेंट से अधिक है और 25 साल की उम्र में नौकरी मिलने का जिन स्टूडेंट्स का सामाजिक भावनात्मक और नैतिक कौशल अच्छे हैं उनके दोस्त भी ज़्यादा होते हैं जिससे उन्हें स्कूल में ज़्यादा मन लगेगा और पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन होगा इसी को कुछ इस तरह देखें स्टूडेंट्स जो सोशल इमोशनल और एथिकल लर्निंग में भाग लेते हैं वो करियर और जीवन दोनों में सफलता पाते हैं एक्टिविटीज फॉर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट आक्स चिल्ड्रेन टू ड्रॉ देमसेल्फ एंड टॉक अबाउट देम चिल्ड्रेन टू टॉक अबाउट देयर लाइक्स एंड डिसक on various things like food clothes colors people and reason for their liking allow children to draw and talk about what makes them happy sad angry and fearful what do they do dramatize different emotions create a doll corner and allow them to play listen to their monologues record what they speak provide opportunities for freehand drawing write down what they speak about their drawing let them listen to stories and songs rhymes encourage them to illustrate provide them with problem situations ask them what they will do in such situation record their responses allow them to imagine their favorite different birds animals and people let them create dialogues and dramatize सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए गतिविधियाँ बच्चों को स्वयं चित्र बनाने और उनके बारे में बात करने के लिए कहें बच्चों से उनकी पसंद नापसंद के बारे में विभिन्न चीज़ों जैसे भोजन कपड़े रंग लोगों और उनकी पसंद के कारणों के बारे में बात करने के लिए कहें बच्चों को चित्र बनाने और बात करने दें कि उन्हें क्या खुश उदास क्रोधित और भयभीत करता है वे करती क्या है विभिन्न भावनाओं का नाटक करें एक गुणियों यानी कि खेलना का कौन बनाएं और उन्हें खेलने दें उनके मनोलाग यानी कि एक पात्र रूपक सुने वे जो बोलते हैं उसे रिकॉर्ड करें फ्री हैंड ड्राइंग यानी कि मुक्त हस्तचित्र के अवसर प्रदान करें लिखिए कि वे अपने ड्राइंग में के बारे में क्या बोलते हैं उन्हें कहानियाँ और गीत कविताएँ सुनने दें उन्हें समझाने के लिए प्रोत्साहित करें उन्हें समस्या की स्थिति प्रदान करें उनसे पूछें कि वे ऐसे परिस्थितियों में क्या करेंगी उनकी प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करें उन्हें अपनी पसंदीदा विभिन्न पंछियों जानवरों और लोगों की कल्पना करने दें उन्हें संवाद बनाने और नाटक करने दें दोस्तों तो भाषा विकास के बारे में बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट रिफर्स टू द जर्नी ऑफ ए चाइल्ड टू फ्रॉम क्राइंग एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू वर्ड्स एंड देन सेंटेंसेस टू कन्वर्स विथ अदर्स भाषा विकास भाषा विकास से तात्पर्य है कि बच्चे के रोने से लेकर शब्दों के संचार तक के साधन के रूप में और फिर बाकियों में दूसरों के साथ बातचीत करने की यात्रा से है रेडिनेस एक्टिविटीज़ फॉर लैंग्वेज प्रोवाइड प्रिंट रीच एनवामेंट टू चिल्ड्रेन लेवल ऑल द ऑब्जेक्ट इन द एन्मेंट क्रिएट ए रीडिंग कर्नर encourage children to browse the picture books and other storybooks display levels of familiar items like food packets toothpaste advertisement encourage them for sight reading storytelling narration illustration of stories write dictated stories on their drawing read out to them what they dictated listening to rhymes and songs sounds in the environment playing game of matching sounds and letters allow them to scribble and draw make patterns by providing low level blackboards bhasha ki taiyari ke liye gatividhiyan bachchon ko print rich vatavaran pradan kare पर्यावरण में सभी वस्तुओं को लेवल करें एक रीडिंग करनर यानी कि पुस्तकालय बनाएं बच्चों को चित्र पुस्तकों और अन्य कहानी पुस्तकों को, को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें खाने के पैकेज टूथपेस्ट विज्ञापनों जैसे परिचित वस्तुओं के लेवल प्रदर्शित करें उन्हें दृष्टि सहित पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें साथ ही साथ कहानी सुनना वर्णन करना कहानियाँ को चित्रण करने के लिए दें उनके उस उनके चित्र पर निर्देशित कहानियाँ लिखने के लिए दिया जाए उन्हें पढ़ने की उन्होंने क्या निर्देश दिया है उसके बारे में जानकारी लें बाल गीत और गीत सुनाना वातावरण में ध्वनियों को पहचानना मिलान करने वाली ध्वनियों और अक्षरों का खेल खेलना उन्हें निम्न स्तर के ब्लॉकबोर्ड प्रदान करके घसीट सीखन और चित्रांकन करने और पेंट बनाने को कहें आइए दोस्तों भाषा के विकास की कुछ गतिविधियाँ को बच्चे के साथ करते हुए निरीक्षण करें कग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास कग्निटिव डेवलपमेंट रिफर्स टू द चेंजेस इन द थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम थ्रू कंस्टेंट इंटरेक्शन विद इट एट दिस स्टेज ऑफ जब डेवलपमेंट चिल्ड्रेन लॉन द कंसेप्ट टू थ्रू कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड फोकस ऑन वन कैरेक्टरिस्टीज एट ए टाइम Their reasoning is limited to color, size, texture, shape on any object. They can understand concepts like tall, short, long, short, heavy, light, etc. संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बच्चों की सोचने की क्षमता में उनके साथ लगातार बातचीत के माध्यम से उनके आसपास की दुनिया की समझ में बदलाव से है विकास के इस स्तर पर बच्चों ठोस वस्तुओं के माध्यम से अवधारणाओं को सीखते हैं और एक समय में एक विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं उनका तर्क किसी भी वस्तु पर रंग आकार बनावट आकर तक सीमित हैं वे लंबा छोटा भारी हल्का आदि अवधारणाओं को समझ सकते हैं एक्टिविटीज़ फॉर कग्नेटिव डेवलपमेंट प्रोवाइड चिल्ड्रेन विथ वेराइटी ऑफ मेटेरियल टू सॉर्ट आउट थिंग्स ऑन द बेसिक ऑफ कलर शेप एंड साइज अलाउ चिल्ड्रेन टू फाइंड सिमिलर एंड डिफरेंसेस इन वेरियन वेरियस ऑब्जेक्ट Provide children objects like pebbles, beads, twigs, leaves, and ask them to classify as to be big, small, heavy, and light. Allow children to measure different things with hand span, string, uh, stick to get an idea of non standard measurement, their height, teachers, and friends. Provide children with jug of water and a glass allow them to estimate the number of glasses the jug can contain let them find out about the estimation play games action song on in out front back and far near for understanding directions recite number songs with children संज्ञानात्मक विकास के लिए गतिविधियाँ बच्चों को रंग आकार आकार के आधार पर चीज़ों को छांटने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रदान करें बच्चों को विभिन्न वस्तुओं में समानताएं और अंतर खोजने दें बच्चों को कंकड़ मोती टहनियाँ पत्ते आदि जैसी वस्तुएं प्रदान करें उन्हें बड़े छोटे भारी हल्के के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कहें बच्चों को गैरमानक माफ यानी कि उनकी ऊंचाई शिक्षक और दोस्तों का अंदाज लगाने के लिए हाथ की लंबाई तार छड़ी से अलग अलग चीज़ों को मापने को कहें बच्चों को एक जग पानी और एक गिलास दें उन्हें यहाँ अनुमान लगाने दें कि जग में कितने गिलास हो सकते हैं उन्हें अनुमान के बारे में पता करने दें दिशाओं को समझने के लिए अंदर बाहर आगे पीछे और दूर के खेल साथ ही साथ गतिविधि वाले गाने चलाएं। बच्चों के साथ गीत दोहराएं आइए दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के कुछ गतिविधियाँ बच्चे के साथ करते हुए निरीक्षण करेंगे थैंक्स फॉर योर वैल्युएबल टाइम धन्यवाद दोस्तों आप सभी ने आपका बहुमूल्य समय दिया uh, मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर ये बच्चों के विकास के जो पहलुओं हैं इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे एवं बच्चे के पास लेके जाएंगे धन्यवाद जोहर